hello kids today we will learn about seven digit numbers and eight digit numbers and place value by two types indian place value chart and international place value chart so let's start as you have learned last video about six digits largest number that was 999999 ,999. okay

वेन एवर वी एड वन इन इट इट बिकम्स ए डिजिट नंबर्स ठीक है नाइन प्लस वन टेन नाइन प्लस वन टेन नाइन प्लस वन टेन ऐसे जब हम करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एट डिजिट्स का नंबर बन जाएगा एट डिजिट्स का ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे अब देखो वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख एंड नाउ दिस इज करोड़ क्या बोलते हैं इसको करोड़ और इसके लिए अब हमें क्या करना होगा प्लेस वैल्यू चार्ट पे एक और प्लेस डालनी पड़ेगी ठीक है जी तो इस तरह से ये तो हो गया आपका इंडियन नंबर सिस्टम ठीक है अब अगर आपने करना हो इंटरनेशनल इंटरनेशनल में क्या होता है बेटा उसमें आपको जैसे अभी आपने देखो इसमें वंस पीरियड तो थ्री डिजिट्स लिए हैं ठीक है और इसमें क्या होता है आपके ये टू टू होते हैं ना वन और वन टू ये थाउजेंड्स ये क्या होते हैं आपके लैक्स और ये क्या होता है आपका करोड़ ठीक है लेकिन इंटरनेशनल में क्या होते हैं आपके पास इंटरनेशनल में आपके पास होते हैं वंस पीरियड्स तो सेम ही होता है जैसे आप बोलते हो ठीक है थाउजेंड्स में इसके क्या होते हैं थ्री नंबर्स होते हैं और मिलियंस में भी इसके कितने होते हैं थ्री होती है अब जैसे सपोज कीजिए मैं एक नंबर लेती हूँ यहाँ पे वाइव फोर सिक्स फोर टू फोर थ्री एट ठीक है अब आपने इस नंबर को क्या किया एक तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखना है और एक देखना है हमने आज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में राइट तो अब क्या करोगे आप फ्रॉम द वेरी राइट टू द लेफ्ट आप पहले कॉमज लगा लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल में आपको क्या करना होता है थ्री थ्री डिजिट्स का एक एक पीरियड बनता है ठीक है इसमें आपका इंडियन में आपका थ्री का एक बनता है बाकी सारे टू टू के बनते हैं लेकिन इसमें थ्री थ्री के बनते हैं तो एट थ्री एंड फोर ये वंस पीरियड बन गया फोर सिक्स एंड टू ठीक है ये वाला टू फोर एंड सिक्स ये आपका क्या बन गया थाउजेंड्स पीरियड बन गया और फाइव एंड फोर ये वाला यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करें यहाँ से फाइव एंड ये ये क्या बन गया आपका मिलियंस ठीक है इसमें आपका हो गया फिफ्टी फोर मिलियन सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड्स फोर हंड्रेड थर्टी एट इसको आप ऐसे रीड करोगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप इसको कैसे रीड करोगे देखो आपने क्या किया पहले ये सारा नंबर लिख लिया आप क्या किया आपने वंस टेंस हंड्रेड्स ये वंस पीरियड में लिख दिया फिर फोर्टी टू आपने क्या किया थाउजेंड्स में लिखा फोर्टी सिक्स आपने क्या किया लैक्स में लिखा और फाइव क्या आ गया आपका करोड़ में तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप इसको इसका नंबर नेम क्या लिखोगे देखो आप लिखोगे इसको फाइव करोड़ ठीक है अब लैख में कितना है आपका फोर्टी सिक्स लेख ठीक है ओके okay. अब कितना थाउजेंड्स में कितना है फोर्टी टू फोर्टी टू क्या है ये आपके थाउजेंड्स थाउजेंड Thousand लिखते हैं हम इसको फोर हंड्रेड थर्टी एट फोर हंड्रेड थर्टी एट इस तरह से आपने क्या करना है इसका ये नंबर नेम लिखना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल में कैसे लिखोगे आप इसको इंटरनेशनल में लिखने के लिए आप क्या लिखोगे इसको फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर क्या बन गया ये मिलियन फिफ्टी फोर मिलियन अब इसको क्या बोलोगे आप थाउजेंड में सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड क्या बोलोगे आप इसको सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड और ये लास्ट वन सेम फोर हंड्रेड थर्टी एट ठीक है तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे अब प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे ठीक है यही नंबर से हम क्या करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे आपने पहले भी किया हुआ है वंस में वनस टेन्स हंड्रेड्स फिर थाउजेंड पीरियड्स में थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स फिर लैख में क्या करना है आपको लैख और टेन लैख ये टी है जो वो टेन के लिए उसके बाद क्या आएगा आपका करोड़ करोड़ के लिए एक करोड़ और एक आपके आ गया टेन करोड़ ठीक है अब वही वाला नंबर सेम मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है ठीक है अब आप क्या करोगे राइट से स्टार्ट करते हुए ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप इस नंबर को इस तरफ से ऐसे इसमें लिखोगे प्लेस वैल्यू चार्ट में अब देखो एट कहाँ पे आएगा अभी आपका वन्स में टेंस में क्या आएगा आपका थ्री फोर कहाँ आएगा हंड्रेड में थाउजेंड में क्या आएगा टू टेन थाउजेंड में फोर ठीक है और देखो सिक्स कहाँ पे आएगा, आएगा आपका लाख में और फोर कहाँ पे आएगा, आएगा आपका टेन लैख में फाइव कहाँ आ गया आपका करोड़ में बन गया ना ये देखो ऐसे फाइव करोड़ फोर्टी सिक्स लैख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एट ठीक है तो इस तरह से आप क्या करोगे अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी वही है पहले वंस है फिर थाउजेंड्स देन क्या है आपके पास मिलियंस अब मैंने जैसे आपको पहले कहा है भी वंस पीरियड सेम होता है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स में क्या होता है आपका थाउजेंड्स टेन थाउजेंडस एंड हंड्रेड थाउजेंड्स उसके बाद क्या आता है आपके पास मिलियंस मिलियन टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन ठीक है अब वही नंबर है आप इसको यहाँ पे लिखोगे कैसे यहाँ पे एट टेंस में आ गया आपका थ्री हंड्रेड में क्या आ गया आपका फोर थाउजेंड में आ गया आपका टू टेन थाउजेंड में आ गया आपका फोर और ये वाला सिक्स कहाँ पे आ गया यहाँ पे हंड्रेड थाउजेंड्स में और फोर कहाँ पे आ गया आपका मिलियंस में और फाइव की वैल्यू क्या आ गई आपकी टेन मिलियन आप देखो पहले मिलियन पीरियड को रीड करोगे फिफ्टी फोर मिलियन सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एट तो इस तरह से आपने क्या करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाना है और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी आपको बनाना है ठीक है ओके लेट्स अगेन स्टार्ट हमने आज क्या किया पहले हमारे पास क्या थे सिक्स डिजिट्स नंबर थे हमने देखा सेवन डिजिट नंबर फिर एट डिजिट नंबर क्या होता है आपका वन करोड़ होता है ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या किया इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखा हमने उसको तो उसमें हमारे क्या बनते हैं थ्री थ्री नंबर्स लेकर हमारे ये क्या बनते हैं पीरियड सिस्टम में हम इसको लिखते हैं कोई भी आपके पास नंबर हो अगर सपोज ये वाला नंबर नहीं है तो क्या बनेगा फिर ये फोर मिलियन ही बन जाएगा ठीक है अगर एक और ऐड कर दें यहाँ पे कुछ भी तो यहाँ पे जैसे इसको फिर आप क्या कर लोगे जैसे मैं यहाँ पे वन ऐड कर देती हूँ अब यहाँ पे भी वन हंड्रेड तो वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मिलियन हो जाएगा सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड थर्टी एट तो उसी तरह से आपने क्या करना है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दोनों तरीके से आपको ये बनानी है इसकी प्रैक्टिस करनी है ओके थैंक यू